किसान भाइयों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे भिंडी की बेस्ट वेराइटियों के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप 2023 में भिंडी की खेती करना चाहते हैं या भिंडी की अगेती खेती करना चाहते हैं, तो आपको इस समय पर आपको कौन से भिंडी की वेराइटी का बुवाई करना चाहिए, तो मैं इस वीडियो में आपको ऐसी 3 भिंडी की वेराइटियों के बारे में जानकारी देने वाला हूँ, जिनका उपयोग अगर आप करते हैं तो आप इससे अधिक से अधिक पैदावार ले सकते हैं। मैं इस वीडियो में 2 श्री राम की वेराइटियाँ और 1 VNR की वेराइटियों के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों आप हमारा वीडियो शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक किसान साथियों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। जैसा कि दोस्तों अगर हम वेराइटियों के बारे में बात करें तो इनमें से हमारी सबसे पहली वेराइटी आती है श्री राम कंपनी की झिलमिल। दोस्तों श्री राम कंपनी की जो झिलमिल वेराइटी है ये फर्स्ट वेराइटी है और यह भी यपन हाइब्रिड सीड की झिलमिल वेराइटी है। दोस्तों ये इस वेराइटी में पौधे में काफ़ी ज़्यादा अच्छी फुटान होती है, पौधे में काफ़ी ज़्यादा हरापन होता है। इस वेराइटी में भिंडी भी अच्छी गहरी हरी कलर की निकलती है, जो कि मंडियों में भाव भी अच्छा देखने को मिलता है। इसकी बुवाई भी आप करके अधिक से अधिक पैदावार ले सकते हैं। इसके अलावा हमारी दूसरे नंबर पर आती है श्री राम कंपनी की 2122 वेराइटी। दोस्तों यह वेराइटी भी यपन हाइब्रिड भिंडी सीड के नाम से मार्केट में मिल जाती है। यह भिंडी भी राधिका भिंडी को टक्कर देने वाली भिंडी है। यानी कि हम आपको एक बार बता देते हैं कि यह जो श्री राम की 2112 वेराइटी है, यह सबसे श्री राम की भिंडी में सबसे हाईएस्ट में ऊंची वेराइटी है। यह वेराइटी एडवांटा कंपनी की राधिका भिंडी को टक्कर देती है। यानी कि इस वेराइटी की पैदावार राधिका भिंडी की एडवांटा भिंडी की तरह की बुवाई होती है। यह जो वेराइटी है यह वेराइटी काफ़ी यपन हाइब्रिड के अंतर्गत आती है। यह वायरस रोगों से प्रतिरोधी वेराइटी है, यानी कि इसमें वायरस का प्रकोप देखने को नहीं मिलता है। इसके साथ इसमें फल भी बहुत ही अच्छा लगता है, फूल ज़्यादा आते हैं, एक पौधे में बहुत ही अधिक फुटान देखने को मिलती है। इसके साथ ही इसमें रोगों व कीटों का अटैक भी कम देखने को मिलता है, जिससे कि आप जल्दी से जल्दी और अधिक पैदावार ले सकते हैं। वैसे इसके अलावा अगर हम तीसरी वेराइटी की बात करें तो वह है VNR करने की सुधा वेराइटी। दोस्तों VNR कंपनी की जो सुधा वेराइटी है यह भी बहुत ही अच्छी वेराइटी है। यह नॉन हाइब्रिड वेराइटी के अंतर्गत आती है। इस वेराइटी की भी बुवाई कर सकते हैं। यह सस्ती भिंडी होती है। यह 250 ml का पैकेट 800 रुपये के लगभग पड़ता है और बहुत ही अच्छी काफ़ी ज़्यादा बिकने वाली वेराइटी है। यह वेराइटी भी बहुत ही अच्छी है। हाइब्रिड से पैदावार में थोड़ी कम होती है, लेकिन सेम वेराइटी है, सेम पौधा होता है, सेम फुटान सेम फल फूल देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से अगर आप भिंडी की वेराइटी अगेती भिंडी की वेराइटी बुवाई करना चाहते हैं तो आप इन तीनों में से किसी भी एक वेराइटी की बुवाई कर सकते हैं। एक बार का विशेष ध्यान रखें, जब आप अगेती भिंडी की बुवाई कर रहे हैं तो उस समय आपको बीज को एक सूती के कपड़े में बांधकर आपको जो गोबर की कड़ी होती है उसमें आपको अंदर लगा देना चाहिए, जिससे कि उनके जो गर्मी होती है वह गर्मी आपके भिंडी के बीजों को लग जाए और जो बीज है वो खेत में लगाने के बाद जल्दी से जल्दी जर्मिनेशन हो जाए। और जब आप भिंडी लगा रहे हैं उस समय पर आपको सल्फर का प्रयोग करना चाहिए, ताकि आपके पौधों का जर्मिनेशन अधिक से अधिक हो और जल्दी से जल्दी निकले। तो ये कुछ बातें हैं जो ध्यान रखना चाहिए। और आप कौन सी वेराइटी की बुवाई करना चाहते हैं आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।